हेलो फ्रेंड्स, एम्पायरमेंट डेरी आपको स्वागत करुच्छी। तो एक रे सेमती डेरी होगला, तो आज चेस्टा कर जल्दी जल्दी क्लास करने। तुम डायरेक्ट किसी कहू नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन के आसम। क्वेश्चन देख, हु हाज रिटर्न द बुक मैकबेथ। मैकबेथ किए लिखी मागास्थेनिस का ना से शुण न थे तुम्हें, नेलसन मैंडेला ना शुणी थो जे कि साउथ आफ्रिकार देश को स्वाधीनता देवे मुख्य भूमिका थी। अरविंद अडिगर ना ये शुण न थो, शेक्सपियर ना समझ शुणी थोड़े आंसर हम ये शेक्सपियर। शेक्सपियर लिखी थे बुक मैकबेथ। तो जो मैंने बुक एंड अथर पढ़ी थोड़ा मन थी। व्हाट इज द मिनिमम एज टू भोट। तर क्वेश्चन पचार कम के बयस हेले तुम भोट दे पार। ठीक अच्छे, साधारणतः केते बयस जड़े भोट दवापाई उपयुक्त बासी योग्य हो जाए भोट दवापाई। आंसर हम 18 वर्ष। तुम जानते हो 18 वर्ष होगा तुम भोट दे पार। 3 नंबर, व्वेयर इज कामाख्या टेम्पल लोकेटेड। कामाख्या मंदिर क्यों जगार अच्छी तुम बहुत लोग कहार अच्छी किशार ना। कामाख्या अवश्य अच्छी छोट मंदिर, कामाख्या पीठ बड़ अच्छे कौटी ना आसाम। 4 नंबर, ह्वाट डज आर टी आई मीन। आर टी आई रान फुल फर्म कौन बा मान कौन। आर टी आई रुलफर्म जमी समस्ते कमन सेन्स लगे कहीपर। राइट टू फ्रीडम ये आर टी एफ होबनी। राइट टू भोट आर टी भि हो। राइट टू इनफर्मेशन आर टी आई हो जा। आंसर हम राइट टू इनफर्मेशन तुम कमन सेन्स लगे यहाँ कर। आंसर भी तुम जान भल कथ राइट टू इनफर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेट इज उरी लोकेटेड। उरी ए फिल्म समझ देखी थी। उरी तो सर्जिकल स्ट्राइक, विकी कौशल मेन एक्टर थे, बहुत भल फिल्म होता है। जो सर्जिकल स्ट्राइक होता पाकिस्तान उपर उरी जगार, उरीटा कौ जगह थी ना जम्मू काश्मीर अच्छे। उरी उरीटा अच्छी जम्मू काश्मीर रे। ऑप्शन बी। 6 नंबर, हु गेव द स्लोगान जय हिंद। तेल जय हिंद किए दे फेमस होता है जो सुभाष चंद्र बोस देते से कौन होता है डायलगटा फेमस होता है। आकचुअली जो प्रथम भगत सिंह कहते कि कई अफिशियल जानि ना। तो आंसर हम सुभाष चंद्र बोस, जोटा कि आकचुआल आंसर जय हिंद कही। 7 नंबर, व्हेयर डिड द जालियनवाला बाग मासेकर टेक प्लेस। जालियनवाला बाग हत्याकांड क्यों जगार होता। जालियनवाला बाग जानते समस्ते, जोटे जनरल डायर कौन करते ना गोटे जगार समस्ते मीटिंग चलते इंडियान लोक तो जी बाहर गोटे गोटे बाट होता। तो से मेसीन गन लगे समस्त को मारदे कहीं जन ही बच्चे। तो बाहर गोटे बाट जी आसला बाहर को सी मरला। आंसर यहाँ कौट होता ना अमृतसर होता, पंजाब अमृतसर। 8 नंबर, व्वेयर इज द हेड क्वार्टर्स अफ यूनो लोकेटेड। क्वेश्चन देखिए, व्वेयर इज द हेड क्वार्टर्स अफ यूनो लोकेटेड। यूनोर प्रथम कौन ना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन मान जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी कौटी अच्छी ना न्यूयॉर्क रे। हेड क्वार्टर कौटी अच्छी न्यूयॉर्क रे। 9 नंबर, देख मीराबाई चानू इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स। मीराबाई चानू स्नाड शुणिले शुणा लगुव कहीं कौच ना सी ए बर्तमान आम टोक्यो ओलंपिक चली से सिल्वर मेडल जीति। मीराबाई चानू जहाँ गोटे भल कथा ऑफर दे डोमिनोस पिज्जा जीवन सारा लाइफ टाइम फ्री पिज्जा से खाईपर। मीराबाई चानू सिल्वर जीति कौन जीति ना वेट लिफ्टिंग रे। जो जान देखी दियो मीरा भाई चानू हूँ ये। 10 नंबर, समस्त मीरा भाई चानू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, दस नंबर, व्हाट इज द पास कनेक्टिंग श्रीनगर टू लेह।
ତାର ଶ୍ରୀନଗର ଟୁ ଲେହ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାସ୍ଟା ଅଛି ସେଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେଟା କୁହାଯାଏ ଜୋଜିଲା। 11 ନମ୍ବର, ଡାର୍କ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ହୁଇଜ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ? ଡାର୍କ ମାନେ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଯେମିତି ଡାର୍କ ବ୍ଲୁ ମାନେ କ'ଣ ଘନ ନୀଳ, ଘନ କହିପାରିବାନି ମାନେ ଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଗାର୍ଡ଼। ତାହେଲେ ଡାର୍କ ମାନେ ନା ମେନ୍ କରିକି ଆଫ୍ରିକାର ଡାର୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଡାର୍କ, ସେଟା ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆଫ୍ରିକା। ଏସିଆରେ ବ୍ରାଉନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ବ୍ରାଉନ୍ ଲୋକ। 12 ନମ୍ବର, ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ଼୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ତାହେଲେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ବହୁତ ଏଜି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଆମରି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ନା କ'ଣ? ନା ଓଡ଼ିଶା। 13 ନମ୍ବର, ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଜ୍ ଦ ଟେହରି ଡ୍ୟାମ୍ ସିଚୁଏଟେଡ଼? ତାହେଲେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ତେହରି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ତେହରି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି? ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ କୂଳରେ, କେଉଁଠି? ଭାଗୀରଥୀ। 14 ନମ୍ବର, ହୁ ଇଜ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର କିଏ? ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ତ ସେ କେବେ ସ୍ପିକର ନଥିଲେ, ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ କେବେ ସ୍ପିକର ନଥିଲେ, ସୁମିତ୍ରା ମହାଜନ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଅଛନ୍ତି। କିଏ? ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର, ବାଚସ୍ପତି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡି, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। 15 ନମ୍ବର, ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟର ଟୁ ସ୍କୋର ଏ ଥାର୍ଡ ଟ୍ରିପଲ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇନ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ତାହେଲେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କୁହ ଯେ ତିନିଥର ଟ୍ରିପଲ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନେ 300 ଟେଷ୍ଟରେ 300 ମାରିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ପିଲା ଭାବୁଥିବ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, କିନ୍ତୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଭାବୁଥିବ, ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ବି ନୁହଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ହାଇ ସ୍କୋର ହେଉଛି 224। ବିରାଟ କୋହଲି ବି ନୁହଁ, ସେ ତାଙ୍କର ହାଇ ସ୍କୋର 250 ସମଥିଙ୍ଗ 56। ତ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ବଢ଼ିଲା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେବାଗ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଇଆଡ଼େ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେବାଗ ଯିଏକି ଟେଷ୍ଟରେ 3 ଥର ଟ୍ରିପଲ୍ ସେଞ୍ଚୁରି ମାରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଦ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଆଇସ୍ ମେଲ୍ଟ ଟୁ। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଇସ୍ ବା ବରଫ ତରଳି ଯିବ, ତରଳିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପାଣି ହେବ। ତାହେଲେ ଯଦି ପାଣି ବରଫଟା ପାଣି ଟୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଡେନ୍ସିଟି କ'ଣ ହେବ? ବଢ଼ିବ ନା କମିବ? ମନେ ରଖିଥିବ, ତାହେଲେ ବରଫରୁ ପାଣି ହେଉଛି ଡେନ୍ସିଟିଟା ତାହେଲେ ବଢ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର? ତାହେଲେ ୱାଟରର ୱାଟର ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ବା ବାମ୍ଫ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ପାଣି, ତାକୁ କହନ୍ତି ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ତା'ର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗ୍ୟାସୀୟ ହେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ତା'ର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ମନେ ରଖିଥିବ? 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କେତେ? ନା 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ। 18 ନମ୍ବର, ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ପଚାରିଛି ଆନ୍ସର୍ ହେବ 100 ଡିଗ୍ରୀ, ଯଦି ମେଲ୍ଟିଂ ପଚାରୁଥିଲା ମାନେ ବରଫରୁ ପାଣି ହେବ, ସେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। 18 ନମ୍ବର, ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହେମାଟୋଲୋଜି ନୁହଁ, ମାମାଲୋଜି ନୁହଁ, ସାଇକୋଲୋଜି ବି ନୁହଁ, ହର୍ପେଟୋଲୋଜି। ମନେ ରଖିବା ସର୍ପରୁ ହର୍ପ, ହର୍ପେଟୋଲୋଜି ହେଉଛି ସାପର। ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍ ମାନେ ସାପ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ସେ ପାଠଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ହର୍ପେଟୋଲୋଜି। 19 ନମ୍ବର, ଦ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇଜ୍? ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତର ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କେଉଁଟା ଆମେ କହିଥିଲୁ? ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆମେ ବୁଝୁଛ, ତା ଗୋଟେ ଥାଏ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ହିଟ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆରାମସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବ, ଯେମିତି ଲୁହା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନ୍ସୁଲେଟର, କେଉଁଟା ଇନ୍ସୁଲେଟର ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା କରେଣ୍ଟକୁ ଯେମିତି ତମେ ଧରୁଛ କାଠ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଜଳେଇବ ଆରପଟଟା, ତମ ଆରପଟ ତାତିବ କି? ତାତିବନି। ଯଦି କାଠଟା ତମେ ପ୍ଲଗ୍ରେ ଗେଞ୍ଜିବ ତମକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ନା ମାରିବନି? ତାହେଲେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କ'ଣ ନା ତା ମଝିରେ ଥାଏ, ନା ବେଶୀ କରେଣ୍ଟ କନ୍ଭର୍ଟ କରିପାରିବନି କି ବେଶୀ ଇନ୍ସୁଲେଟ୍ ବି କରିପାରିବନି। ତ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କିଏ ହେବ? ନା ସିଲିକନ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସିଲିକନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ସଲ୍ଫର ଗୋଟେ ମେଟାଲ, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ମେଟାଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଡାଇମଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁଲେଟର।
20 नंबर देख द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस तो जो मैंने आइडियल गैस विषय आइडियल गैस विषय पढ़ी थोड़ा जानी थोड़ा पढ़ने किसी टेनसन नहीं किसी अधिक तुम भाई पड़ोनी तुमको केवल आंसर जानवर अच्छी तुम ता विषय जाना किसी दरकार ना तो आंसर हम ऑप्शन डी पी भी इजिक्वल एनआरटी पी भी इजिक्वल टू एनआरटी। एक नंबर व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 21 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 21 सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो 11 प्रोटॉन हो 21 तर मन रख क्वेश्चन का पचार जदि गोटे एलिमेंट रो ठीक अच्छे पदार्थर न्यूट्रॉन अच्छे कितना 11टा न्यूट्रॉन अच्छा 21टा प्रोटॉन अच्छा यदि 11टा न्यूट्रॉन अच्छा 21टा प्रोटॉन अच्छा तरह एटॉमिक नंबर के एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन 1 तर अच्छे हीलियम 2 लिथियम 3 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन अच्छे तो सेमती जार 11टा हूँ न्यूट्रॉन 21टा हूँ प्रोटॉन तार एटॉमिक नंबर के मन तो प्रोटॉन जितना जितकी थाए तो एटॉमिक नंबर भी से थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए कॉकरोच आर देयर गोटे कॉकरोच रहा असरपार केतेटा पार्ट था ता शरीर टोटल केते पार्ट रे विभक्त कर दिए ताकु तीन पार्ट रे मन रखे तीनटा पार्ट रे विभक्त कर रखा जाए असरपार बॉडी को। 23 नंबर आइसोटोप्स आर न्यूक्लेई कंटेनिंग एट तुमको विषय को भितर जाना दरकार ना भितर जाना बोले बहुत कन्फ्यूज हे तो डायरेक्ट आंसर जान आंसर कौन हम ना इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन तांकर आइसोटोप रे कौन थाए समान नंबर ऑफ प्रोटॉन माने एथरे जेते प्रोटॉन थाए एथरे भितरे प्रोटॉन थाए। पीएन जंक्शन डायोड तले पीएन जंक्शन डायोड कोथरी यूज हुए ना सर्किट डिटेक्टर रे ना हाँ निश्चय यूज हम ना सर्किट रे गोटे कंप्लीटेशन ना तुम ये देखिए जापर पीएन जंक्शन डायोड रे रेक्टिफिकेशन ऑफ डायोड निश्चय तुम्हें रेक्टिफिकेशन भी करपर फुल ऑफ रेक्टिफिकेशन हाफ ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑप्शन सी सिग्नल डायोड भी करपर ठीक है सिग्नल डायोड पर भी सी व्यवहार करा जाए तो आंसर हम ऑल ऑफ द अबव आंसर हम ऑल ऑफ द अबव। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज तो फ्रिक्वेन्सी यूनिट कौन वोल्ट मीटर तो नुह बार मीटर नुह हर्ज हम ओम तो नुह रेजिस्टेंस रो आंसर हम हर्ज हर्जटा हूँ फ्रिक्वेन्सी मैंने गोटे सेकेंड से कत थर हलुच फ्रिक्वेन्सी हूँ बारंबार तो जो कहे फ्रिक्वेन्सी। 26 नंबर हाउ मेनी वर्ड्स इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर एक क्वेश्चन पूर्व भी करें आंसर हम 746 वर्ड्स गोटे हर्स पार हो 746 वाट। 27 नंबर इफ टू इक्वल वेट ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग एट अ वेलोसिटी 2V एंड 3V तो ठीक है दुटा बॉडी अच्छे दी जगह मास हो समान वेट हो समान तो जनकर वेलोसिटी 2V अगर हो 3V तो से पचार कौन ना काइनेटिक एनर्जी रेशियो अनुपात के काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कौन हाफ इंटू एम पी स्क्वायर तेल प्रथम पाई एम पी स्क्वायर कहता है हाफ इंटू मास समान अच्छी एम भी कहते ना टू बी स्क्वायर द्वितीय मास के द्वितीय काइनेटिक एनर्जी ना हाफ इंटू मास से मास दी जगह सामान था दिन एम नहीं हो टू बी जगह कहते हैं यार 3V यार 2V वेलोसिटी थी यार 3V हो वेलोसिटी 3V स्क्वायर कटाकटी करा हाफ कटिज एम भी कटिज रहा 2V स्क्वायर बाय 3V स्क्वायर 2V स्क्वायर बाय 3V स्क्वायर होल स्क्वायर ठीक है तार 2V होल स्क्वायर जो 4V स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर 9V स्क्वायर तले V स्क्वायर को V स्क्वायर कट गला और रहला 4 बाय 9 तले यदि 4 व्यक्त को 9 रहला त अनुपात कत हबो ना 4 अनुपात 9 बुझ पालो त हम ट्रिक ले मन रखिबो नतले वेलोसिटी दै ठीक है काइनेटिक एनर्जी पचार वेलोसिटी किंबा मास देखिए वेलोसिटी देती तो कौन कर कोफिशिएंट जितने यार के ना 2 यार अच्छे 3 तक कौन कर वर्ग नहीं जो 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 आंसर है 4 अनुपात 9। 28 नंबर हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन मैंने तो न्यूट्रॉन किए आविष्कार करते ठीक है
ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଥମସନ୍ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କରିଥିଲେ, ରଦରଫୋର୍ଡ ପ୍ରୋଟନ୍ କରିଥିଲେ, ଚାଡୱିକ୍ ଜେମ୍ସ ଚାଡୱିକ୍ କରିଥିଲେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କିଏ? ଜେମ୍ସ ଚାଡୱିକ୍। 29 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍? ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍ର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନ୍ୟୁଟନ୍ ପର୍ ମିଟର, ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟୁଟନ୍ ପର୍ ମିଟର ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍, ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍ର ୟୁନିଟ୍ ବା ଏକକ। 30 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଡେଫିସିଏନ୍ସି? ତା ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରୁ ଆମର କେଉଁ ରୋଗଟା ହୁଏ? ଟାଇଫଏଡ୍ ନୁହଁ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବେରି ବେରି। ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରୁ ବେରି ବେରି ରୋଗ ଆମକୁ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ, ପଢ଼ିଥିବ, ମନେଥିବ, ଜାଣିଥିବ ବେରି ବେରି ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବଜନିତ ରୋଗ, ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବଜନିତ ରୋଗ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କରିବା।